मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है, और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में NCERB की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। मैम, सिमिलरली द सिचुएशन इज फॉर द नेट एंड DU LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द अब्रप्ट कैंसिलेशन एंड द मिसमैनेजमेंट ऑफ द NTA इज अ क्रूशियल इशू दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक इनटू। मैम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन दिस बजट एलोकेशन, स्पेशली इन द केस ऑफ क्लोजर ऑफ द मौलाना आजाद फाउंडेशन। डिस्पाइट द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ माइनॉरिटीज प्रोग्रेसिंग विद कुरान इन वन हैंड एंड कंप्यूटर इन द अदर, दिस अंडरमाइंस एफर्ट्स टू बूस्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। वट वी ऑल्सो नीड इन टूडेज टाइम इज क्वालिटी स्टेम एजुकेशन as outlined by India's National Education Policy 2020, and it is crucial for fostering critical thinking and preparing our youth for 21st century challenges. But ma'am, only 18.4% schools have functional computer labs, and there's a significant gender gap in STEM enrollment, with only 28% of females compared to 36% males. While the government now promotes Digital India, it would do well to take a leaf from the Samajwadi Party's government under Akhilesh Yadav ji, which began distributing free laptops to class 12 students in 2012, effectively combating computer illiteracy and bridging digital divide in rural Uttar Pradesh. Educational Freedom Index mein Bharat ki sthiti kafi had tak kharab hai. Hame nichle 30% देशों में रखा गया है। द इंटरट्वाइनिंग ऑफ पॉलिटिकल एजेंडाज विद इंडियन हायर एजुकेशन हैज वर्सन अंडर द करंट गवर्नमेंट। की हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स आर बीइंग इरेज्ड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स टू एडवांस अ सर्टेन काइंड ऑफ नैरेटिव। मुगल हिस्ट्री इज कंटिन्यूसली डिस्टॉर्टेड एंड इरेज्ड, बट नोटेबली डार्विन्स थ्योरी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द क्लास 9 and 10 सिलेबसेस बाय द 21-22 एकेडमिक ईयर। And the topic of evolution was completely excised from school textbooks. This distortion of educational content undermines academic integrity and damages India's educational ethos. Ma'am, when we are competing for the in the world with first class countries, we also need to look into why our students need coaching in spite of having schools and higher education and those funded by the government. The incident of 3 students dying in UPSC coaching has once again exposed the harsh reality. Just a minute, man. I'm plight of a significant segment of our population. These young individuals, hopeful of securing government jobs, endure poor living conditions in places like Kota and Rajinder Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcomings of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The national education policy fails to address why students rely on coaching in the first place. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में बीएड LLB जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, जिनसे युवा और महिला अपने रोजगार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूं, और माँ शकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए, ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।